आरएएस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर गुज्जर गोड ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी पहुंचे कलेक्ट्रेट। आरएएस अधिकारी लक्ष्मीकांत बालोत की ओर से ब्राह्मण समाज की आराध्या माता अहिल्या पर गलत टिप्पणी करने के विरोध में सोमवार को गुज्जर गोड ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के जरिए प्रतिनिधिमंडल ने आरएएस अधिकारी को बर्खास्त कर उसके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। महासभा के डूंगरमल जोशी ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा इस तरह की गलत टिप्पणी करना शोभनीय नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिकारी ने ऐसी टिप्पणी कर नारी शक्ति का अपमान किया है, जिसे केवल ब्राह्मण समाज ही नहीं बल्कि कोई भी समाज सहन नहीं करेगा। आज समाज की सांस्कृतिक विरासत पर चोट करना एक फैशन बन गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर प्रशासनिक अधिकारी हो या चाहे कोई भी हो, यह गलत है। इसलिए गुज्जर गोड ब्राह्मण समाज सरकार से मांग करता है कि ऐसे अधिकारी को निलंबित कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इस मौके पर महेश मिश्रा, विश्वनाथ शर्मा, संदीप पाटिल, महेंद्र चौबे, श्याम सुंदर जोशी, सुरेंद्र बावलिया, सुंदर पाल उपाध्याय, मनोहर लाल जोशी, महेश हरित, दिनेश लाटा, विनोद शर्मा, राजेश सोती आदि मौजूद रहे। IAS RAS एक बड़े पद है और उन पद पर रहते हुए संविधान की रक्षा करते हुए कोई व्यक्ति यदि नारी सम्मान के लिए इस तरह की बातें कहे और नारी का अपमान करे, भले ही वो किसी भी जाति किसी भी समुदाय की हो, उसमें सर्वप्रथम हम बात करें तो माता अहिल्या के लिए उन्होंने जो बातें कही है वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है और भर्त्सना करने योग्य है। हम संपूर्ण समग्र समाज के साथ उनकी भर्त्सना करते हैं और उनकी निंदा करते हैं और संबंधित जो अधिकारी है उसके खिलाफ FIR करवा करके और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग करते हैं।